वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। एक और चीज़ की हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, RF4 इंडस्ट्रियल कैमरा 2K फुल HD। और इस कैमरे पर RF2K C2 इंडस्ट्रियल कैमरा है, बहुत शानदार कैमरा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया 2K में है, तो बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट, पिक्सल रेजोल्यूशन बहुत ही शानदार है। चलिए इस कैमरे की भी हम आपको अनबॉक्सिंग दिखाते हैं और कैसे होता है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास कैमरा है, ये RF2K C2 इंडस्ट्रियल कैमरा मेड इन चाइना। और ये www.rf4tools.com पे जाकर भी इसकी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये RF4, अब इस कैमरे के मैं सारे फीचर्स आपको समझाता हूँ, सारे पोर्ट्स बताता हूँ क्या क्या है, तो इसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। ये हमारे पास कैमरा है, ये कैमरा जब आप लेंगे तो इसके पास आपको सबसे पहले ये आपको केबल आएगी, HDMI ये केबल आती है साथ में। इसको आप TV पे लगा सकते हैं, HDMI पोर्ट को एक्सेस आपकी जहाँ भी है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक रिमोट आएगा जिसका यूज़ करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ज़्यादातर इसके अंदर लैंग्वेज चाइनीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। इसके अलावा जो हाँ ट्रबल शूटिंग के टाइम पर ज़रूर हम इसको यूज़ करते हैं और ट्रबल शूट करते हैं, इसको जब हम रिपेयर करते हैं कैमरा को, तो सारी चीज़ें इसमें हम इसका यूज़ करते हैं सर्विसेज का जो मैनुअल्स के साथ आते हैं। तो ये आप इसके साथ इस तरह से देखिए, ये सारी चीज़ें आती हैं ताकि इस पर कोई डैमेज ना रहे, प्रोटेक्शन साथ में आता है। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर आपको पूरा आउटपुट आप अपने TV पर या इसको आप जहाँ लेना चाहें HDMI पोर्ट पर आप ले सकते हैं। तो ये इसके साथ आएगा, ये इसका कवर रहेगा सामने से लेंस का, निकल खोलो। इसके बाद इसमें आपको सामने से क्या लगाना पड़ेगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। ये कैमरा बेसिकली RF4 है और इस पर ये देखिए सारी ऑपरेटिंग्स मेन्यू IR ये इस तरह से चीज़ें रहती हैं, ठीक है। ये इसमें 5 से 12 वोल्ट सप्लाई केबल का है, इसके 5 से 12 वोल्ट का अडाप्टर। ये इस तरह से इसके साथ ये एक और केबल आती है जो 5 से 12 वोल्ट का रहता है, ये वाला 5 वोल्ट का है, तो हमने इसको इस पे लगाया इस तरह से। और ये इसके साथ ये आएगा इसका लेंस, और इसको आप यहाँ से HDMI पोर्ट पे ले जा सकते हैं। चालू टीवी HDMI पोर्ट लेना, चालू करो और इसको आप ऐसे लगा सकते, जल्दी का टाइम मत वेस्ट कर, इस तरह से आप लगाएंगे इसको, ये चालू हो जाएगा। इसके बाद HDMI पोर्ट के थ्रू ये आपको TV में दिखना, उसका रिमोट है, रिमोट कहाँ था उसका, ये रखा है, ये चालू कर HDMI पे ले आप इसको। मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखाएगा, यहाँ से पूरा ऑपरेटिंग इसकी होगी, HDMI ये है और इसका ये यहाँ से इसको सॉरी ये इसके नीचे इस तरह से कवर, इसको आप अपने नॉर्मल कैमरे के स्टैंड्स में लगा सकते हैं और हम इसको आगे यूज़ करते हैं किस तरह से होगा। तो आइए मैं इसके बारे में और फीचर्स बता दूं। इसमें हम जो बारीक से बारीक कंपोनेंट है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, IC उन सब से रिलेटेड भी हम काम कर सकते हैं और सारा चीज़ इसमें क्लियर होती है, ठीक है। तो चलो भैया, ये चालू हो गई है सर, आ जाओ और हम चलते हैं, इसी पे रखना और कहीं मत दिखाना, निकाल के ले चलो। और ये HDMI पोर्ट पर HDMI केबल का इसकी जी, ये देखिए इस तरह से HDMI लाइट चलाओ, इस तरह से आप इसको HDMI पे, इसको HDMI पोर्ट पे लो, HDMI पोर्ट पर आप इसको लगाइए ऐसे, ठीक है। और कुछ करना नहीं है, यहाँ से आप कैमरा है, फिर यहाँ से आपको लेंस लेना, मैं अभी और दिखाता हूँ चीज़ें, बाकी स्टैंड पे लगा के आप इसको देख सकते हैं। ये 108P ईथरनेट कनेक्टेड, नीचे लेना, ये देखिए ये आपको उधर दिखाओ, ये इस तरह से आपको सारी चीज़ें इसमें देखना चालू होंगी, आपको इसको एडजस्ट करना होगा इस तरह से, लाइट आ जाएगी तो और ये क्लियर दिखेगा। लाइट देना, फोकस देना इसमें, मोबाइल से फोकस दे दो। तो ये कैमरा है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये भी, और नीचे करो, तो हम इसमें आपको सारी चीज़ें इस तरह से क्या हो जाएंगी एडजस्ट होके, देखिए ये कॉइल दिख रही है, रजिस्टर दिख रहा है, फ्यूजेबल रजिस्टर है, ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इसलिए इसमें इतना सा आपको
स्टिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इतनी बात नहीं रख लेंगे। तो ये मुझे सिर्फ अभी वीडियो आपको दिखाना था कैमरे का अनबॉक्सिंग कैमरा के, जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है देखिए, ठीक है। तुम्हें ये तो मत हिलाओ मीटर, क्या बस कंपोनेंट और दिख जाए लेना अगली बार बस हो गया। ये देखिए जो भी आपको देखना है ये इस तरह से दिखाता जाएगा, ठीक है। तो ये कैमरा और जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं उसको आप ज़रूर आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि लोगों तक चीज़ें क्या हो सके सही से पहुंच सके और सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो ये कैमरा था, इस पर आप इस तरह से देख सकते हैं चीज़ों को, ये कंपोनेंट आ रहे हैं, ये मदरबोर्ड है कंप्यूटर का, उसके बारे में पूरा चीज़ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये कैमरे की अनबॉक्सिंग दिखाई, कैमरा किस तरह से काम करता है। और आज के लिए इतनी वीडियो, बाकी कल और परसों में हम आगे की वीडियोस और डालेंगे। थैंक्स फॉर द